गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में पाठ 17 पढ़ेंगे। इसके लिए आप अपनी बुक में पेज नंबर 86 खोलेंगे। पेज नंबर 86 में आपको दिया है पाठ 17 मीठी बोली, जो क्या है, एक कविता है। इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह जो हमारी बोली है, जो हमारी वाणी है, वही हमारे व्यक्तित्व को बताती है कि आप जितना मीठा बोलेंगे आपका व्यक्तित्व उतना ही अच्छा होगा, और आपकी वाणी से ही पता चलता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। इसलिए आप जब भी किसी से बोले कैसा बोले, मीठा बोले, कभी भी कठोर वचनों का उपयोग ना करें, क्योंकि कठोर वचन जो होते हैं वो हमेशा दूसरों के कानों को चुभते हैं, और अगर हमसे भी कोई कठोर वचन बोलता है तो वो हमें भी बहुत बुरा लगता है। इसलिए हमको हमेशा ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो दूसरों के कानों में क्या घोल दे, मिश्री घोल दे। क्योंकि अगर आप दूसरों से अच्छी वाणी में बात करेंगे, अच्छे वचन बोलेंगे, तो दूसरे आपको पसंद करेंगे। और उसी की अपेक्षा अगर आप दूसरों से कड़वे वचन बोलेंगे, कठोर वचन बोलेंगे, तो लोग क्या करेंगे, आपको पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पोयम। देखो कोयल है काली, पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर कानों में है मिश्री घोली। क्या बोला है इसमें जो कवि है सुभद्रा कुमारी चौहान, वो हमें बता रहे हैं कि जो ये कोयल है वो है तो देखने में काली, पर इसकी बोली क्या है, बहुत ही मीठी है, और कुकू की बोली बोलकर इसने हमारे कानों में क्या घोल दिया है, मिश्री घोल दी है। क्योंकि कोयल की जो आवाज़ होती है, कोयल जो है वो मशहूर ही इसलिए है क्योंकि इसकी आवाज़ क्या है, बहुत ही मधुर और बहुत मीठी होती है। कोयल कोयल सच बतलाओ, क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। तो बच्चे जो हैं वो कोयल से पूछ रहे हैं कि कोयल हमें सच सच बतलाओ कि तुम आज क्या संदेशा लाई हो, क्योंकि आज बहुत दिनों बाद तुम हमको दिखाई दी हो। क्या गाती हो, किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती है हो मेघों से पानी। तो बच्चे कोयल से बोल रहे हैं कि बताओ तुम क्या गा रही हो और किसे बुला रही हो, क्या जो प्यासी धरती है वो बादलों से पानी मांग रही है। कोयल या मिठास, क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली ये सिखलाई है। तो बच्चे पूछते हैं कोयल से कि कोयल क्या तुमने अपनी जो ये मीठी वाणी है ये तुम्हारी माँ से पाई है, क्या तुम्हारी माँ ने ही तुमको दूसरों से मीठा मीठा बोलना सिखाया है। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठे मीठे बोलो या भी तुम्हें बताया है। तो बच्चे बोलते हैं क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया है कि किस तरह से डाल डाल पर उड़ना है और इतना मधुर संगीत गाना है, दूसरों से हमेशा मीठे मीठे बोल बोलने, क्या यह सब तुम्हें तुम्हारी माँ ने सिखाया है। बहुत भली हो तुमने माँ की, बात सदा है मानी, इसलिए तो कहलाती हो तुम चिड़िया की रानी। तो बच्चे बोलते हैं कि तुम बहुत भली हो कि तुम हमेशा अपनी माँ की बात सुनती हो, इसलिए तो सब तुम्हें चिड़ियों की रानी कहते हैं। क्या है ये चैप्टर, इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि जिस तरह से जो कोयल है वो अपनी मधुर वाणी की वजह से लोग उसे बहुत पसंद करते हैं, और उसकी जो वाणी है वो दूसरों के कानों में मिश्री की तरह घुल जाती है। उसी तरह से अगर हम भी दूसरों से अच्छी वाणी में मधुर वचन बोलेंगे तो लोग क्या करेंगे, हमारे जो वचन वो लोगों को हमेशा याद रहेंगे और वो हमें पसंद करेंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी कविता मीठे बोल। एक बार फिर से हम इस कविता को पढ़ लेते हैं। देखो कोयल है काली, पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर कानों में है मिश्री घोली। कोयल कोयल सच बतलाओ, क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। क्या गाती हो, किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो मेघों से पानी। कोयल या मिठास, क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली या सिखलाई है। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठे मीठे बोलो या भी तुमने बताया है। बहुत भली हो तुमने माँ की, बात सदा है मानी, इसलिए तो कहलाती तुम चिड़ियों की रानी। तो क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि हमें हमेशा क्या करने चाहिए, दूसरों के सद्गुणों को ग्रहण करना चाहिए। दूसरों को हम किसी को देख रहे हैं कि इसमें बहुत सद्गुण, लोगों से अच्छे से बात कर रहा है, तो हमें उनके सद्गुणों को क्या करना चाहिए, हमेशा ग्रहण करना चाहिए, तभी हम अच्छा व्यवहार दूसरों से कर पाएंगे और दूसरे भी हमसे अच्छी चीज़ें सीख पाएंगे। ठीक है, तो यह था आपका पाठ 17 मीठी बोली। अगली क्लास में हम इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर और
शब्दार्थ कॉपी में लिखेंगे। आपका आज का होमवर्क है कि आपको पाठ 17 मीठी बोली की यह कविता याद करनी है और अपनी कॉपी में लिखना है। यह है आपका आज का होमवर्क।